ये कैसे बताएगी? उस रात ये जरूर अपना चश्मा घर भूल आई होगी, इसलिए चांद दिखा नहीं होगा। भूल नहीं गई थी, गिर गया था चश्मा। मैं बताऊं? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स बताओ। एक बार है ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे करवा चौथ पे ब्लू कलर की कार गिफ्ट की थी, तभी तो मुझे ऐसा लग रहा था बिना चांद निकले ही मुझे चांद दिखाई दिया। वाओ, दैट्स सो स्वीट। और उसके बाद हर राती से चांद दिखता है। इसका हस्बैंड टकला जो है। तेरे पति से तो अच्छा है ना, कम से कम बालों में कलर तो नहीं लगाते हैं। अरे रहने दो, मेरे हस्बैंड तो कितने हैंडसम दिखते हैं। हाँ? अब तुम चुप रहो, रहने चुप रहो। गर्ल्स गर्ल्स किस यार, मेरा मतलब है किस एंड मेकअप, नो फाइटिंग। आज करवा चौथ है, हम लोग सब भूखे, आई मीन तुम लोग सब भूखे हो, सो रिलैक्स। कोई और कुछ बताना चाहेगा? फास्ट फॉरवर्ड, अभी तुम बताओ ना, कभी तुम्हें चांद के बिना चांद दिखा है क्या? अगर तुम मुझसे ना ही पूछो तो अच्छा होगा। प्लीज बताओ ना अभी। अभी सभी लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। एक लड़की के साथ डेट पर गया था, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। उस रात चांद नहीं था, लेकिन उसकी आंखों से जो रोशनी आ रही थी ना, मैं उसे देखता गया, तो बस देखता गया। एक साल पहले तो अभी मेरे साथ डेट पर गया था। अरे ये तो उसी रात की बात कर रहा है जिस रात मैं इसके साथ डेट पे गई थी। मुझे उसकी आंखों में चांद दिखाई दे रहा था। And that day for me was the most memorable day of my life. एक साल पहले तो तब हमारी शादी नहीं हुई थी। Sorry, don't mind, it's just a game. एक साल पहले क्या? एक साल पहले हम दोनों साथ में डेट पर गए थे। अभी क्या एक साल पहले अभी मेरे बारे में ही बात कर रहा है। वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। एक साल पहले हम दोनों साथ में डेट पर गए थे। जी नहीं, हम दोनों डेट पे गए थे। मेरे ख्याल से वो डेट 14th of February थी। सुना, हम वैलेंटाइंस डे पे डेट में साथ में गए थे। सपनों में गई होंगी, क्योंकि वो डेट पर तो मेरे साथ गया था। सपनों में नहीं, सच में गई थी। वो डेट पर मेरे साथ था। तुम्हें डेट की डेट भी याद है? तुम्हें कुछ समझ में आता है ढंग से? चल रहा है? कुछ नहीं, अभी पतंग उड़ा रहा है, वो भी एक साथ दो। अब उन दो पतंगों के बीच में लड़ाई हो रही है। पर बात क्या हो रही है? ओहो, एक साल पहले मैं अभी के साथ फर्स्ट डेट पे गई थी, और उस वक्त ये दोनों भी डेट पे जाना चाहती थी। तो अभी इन दोनों को अलग अलग डिनर पे ले जाके फिर मेरे पास आया था। तो ये दोनों इस बात पे लड़ रही है कि उस दिन अभी के साथ डेट पे कौन लड़की थी। मैं गई थी डेट पे उसके साथ। वो मेरे साथ था। वो तुम्हारे साथ नहीं था, मेरे साथ था। रियली, फूल उसने मुझे दिए थे। तो मेरा अप्रैल फूल बनाया होगा, फूल अभी ने मुझे दिए थे। अभी didn't you say I'm the most beautiful girl in this world? He said I am the most beautiful girl in the universe. ये मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स तो हमें यहीं पर ही मिल गए। Nonsense. Let's go. क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं भाभी, मैं ठीक। अरे नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रही, फिर भी व्रत रखा तुमने? इतनी हिम्मत कहाँ से लेकर आती हो तुम? ये व्रत रखने के लिए हिम्मत की नहीं, लगन की जरूरत होती। और अगर मन में सच्ची लगन हो तो किसी भी रिश्ते को निभाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। देखा दीदी, हमारी प्रज्ञा की तो बात ही कुछ और है। जहाँ भूख के मारे सबके चेहरे मुरझा गए, हमारी प्रज्ञा का चेहरा कैसे चमक रहा है। ऐसा लगता है जैसे चांद से पहले चांद निकल आया। अब मैं कुछ भूल गई किचन में, मैं अभी आई हूँ। ए त्रिदेव, क्या हो रहा है? जासूसी चल रही है ना, ये देख रहे हो कि किसने व्रत रखा है और किसने नहीं। थ्री मस्केटियर्स, हम तो सिर्फ अपनी प्रज्ञा को देख रहे हैं, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि उससे अच्छी बहू तो कोई हो ही नहीं सकती। वही तो, तबीयत खराब थी, इसके बावजूद उसकी लगन और निष्ठा में कोई फर्क नहीं आया। जो ऐसी मुसीबतों को पार करते हैं, सच्चा प्यार उसी को ही कहते हैं।
अब दादी, दादी आप ठीक तो है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ठीक दादी? क्या ठीक है अभी, प्रज्ञा को तेरी फिकर, इन्हें प्रज्ञा की फिकर, इसी चक्कर में आज की दवा खाना भूल गई। दादी आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती, अब चलिए नीचे। मैं ठीक हूँ। नहीं दादी, आप नीचे चलिए, आराम कीजिए और थोड़ी देर बाद वापस आ जाइए। लेकिन आप यहाँ पर नहीं रुकेंगे, चलिए आप नीचे चलिए। मेरी लंबी उम्र के लिए तुम व्रत तो क्या, अगर अपनी जान भी दे दोगी ना, तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम पर यकीन नहीं करता और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ तनु से, फिक्र है तो सिर्फ तनु की। तो कहता है उसने मेरे लिए फास्ट रखा है, मेरे लिए भूख ही रही, और तुम पता है पति पत्नी ये सारे रिचुअल्स क्यों करते हैं? वो सिर्फ इसीलिए ताकि उनके बड़े खुश हो, लेकिन जब मैं ही खुश नहीं हूं तो मैं अपने बड़ों को कैसे खुश करूंगा? एक और चीज जानना चाहोगी तो, पति पत्नी का रिश्ता ना बंद कमरे में बनता है, जो कि हमारा है ही नहीं। इसलिए अपना ये ड्रामा बंद करो। बंद कमरे में रिश्ते बनते नहीं, सिर्फ सजते हैं जो कभी भी बिखर सकते। जो रिश्ते जज्बात से बनते कभी नहीं बिखरते। तो फिर हमारे बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता है जो टूट नहीं सकता, वो रिश्ता है नफरत का। ये सच डच के मेरे लिए व्रत रखना, मेरी आंखों में देखकर मीठी बातें करना और मेरा तुम्हारे लिए केयर करना, ये सब एक नाटक है। और ये नाटक हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दादी को लगता है कि हमें एक दूसरे से प्यार है, जो कि है नहीं, वो सब एक दिखावा है। Do you get that? तुम्हें कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन इतना समझ लो कि तनु के लिए मेरा प्यार सच्चा है और तुम्हारे लिए तो मेरी नफरत तक सच्ची नहीं है। तुम्हारी आंखों में देखकर मुझे ऐसा लगता है कि क्या हुआ? चांद दिखाई दे रहा है। You know what? उस चश्मिश के साथ रह के उसकी भाषा बोलने लगे तुम। चांद आंखों में नहीं होता, आसमान में होता है। चांद तो आसमान में होता है, फिर मैंने वो चांद को चश्मिश की आंखों में कैसे देखा? चश्मिश की आंखें भी ना चश्मिश की तरह नकली। चश्मिश की आंखों में चांद क्या क्या पैक कर रहे हो? कैरेट। थैंक्स सो मच तनु, तुमने मेरी बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर कर दी। अब चलो, पूजा का टाइम हो गया, मैं तुम्हारा फास्ट तोड़ता हूं। कम ऑन, सबके सामने मेरा फास्ट तोड़ो। सबकी नजरें उस चश्मिश पे और तुम पे होंगी ना, और दादी के सामने इस सिचुएशन को अवॉइड करना भी बहुत मुश्किल है। पर तुम एक चीज कर सकते हो। क्या? कुछ भी हो जाए, चश्मिश को अपने हाथों से पानी पिला के उसका फास्ट नहीं तोड़ना। बस इतनी सी बात, अगर मेरे हाथों से चश्मिश का कुछ टूटेगा तो वो उसका फास्ट नहीं बल्कि उसका चश्मा होगा। आई प्रॉमिस यू, मेरे हाथों से उस चश्मिश का व्रत नहीं टूटने वाला। कब निकलेगा चांद, कब निकलेगा? मम्मी जी, अरे जल्दी आइए इधर, देखिए ना कितना प्यारा चांद निकला है। मुझे तो बिल्कुल गोल गोल पराठे की तरह दिख रहा है। भाई मुझे तो बिल्कुल गोल पिज्जे जैसा लग रहा है। चलिए से पूजा कर लेते हैं, फिर कुछ खाते हैं। हाँ। मम्मी जी हम देखिए ये तो फिर बादलों के पीछे छुप गया। हाय मेरी तो हालत खराब हो रही है। ओए पम्मी, और शर्म कर, सारा साल ठूसती रहती है तू, ओए एक दिन मेरे लिए व्रत नहीं रख सकती? जानिया बादल हट, चांद को निकलने दे, जरा मेरी कुड़िया भूखी हो रही है। ओए ओए कितने, चांद तो हमारे साथ आंख मिचोली खेल रहा है। अरे उस चांद को बादलों से खेलने दो आंख मिचोली, हम भी खेलते हैं कुछ एक और खेल। हाँ, म्यूजिक मौज मस्ती और इस करवा चौथ तो और रंगीन बनाते हैं, यादगार बनाते हैं। ठीक है भाई, सब आ जाओ, डांस वांस हो जाए। अरे आ जाओ भाई, सब आ जाओ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।